हेलो एवरीवन। तो आज 22nd में है और अभी सुबह के 6:30 हो गए हैं और अभी हम थोड़ी देर में वैभव के टूर्नामेंट के लिए निकलेंगे। तो ये गांव भरतपुर से 40 किलोमीटर पहले है, तो हम अभी भरतपुर जाएंगे लिए। और मोर नाचता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी हम निकल लिए हैं वैभव के टूर्नामेंट के लिए और वैभव भैया थोड़ा सुस्त हो गए हैं। चिंता मत करो, देखो आरओ की तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये वैभव का फर्स्ट टूर्नामेंट है, फर्स्ट स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है। इससे पहले इसने कभी नहीं लड़ा, तो इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भैया, फर्स्ट ही तो है, यहाँ के और इतने मौके हैं। देखो हार भी गए, तो एक बार देखा ना कैसे होता है टूर्नामेंट, कैसे लड़ते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा। और वैसे जीतना तो है ही, वैभव किसी से हारता थोड़ी है, है भैया। अभी 12:30 हो गए और अभी तक वैभव की फाइट नहीं हुई है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा शोर है और मैं बिल्कुल ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो अभी वैभव जीत गया है फर्स्ट फाइट, अच्छी लड़ा, बढ़िया, शाबाश। फर्स्ट कुश्ती वैभव जीत गया है और अभी उसकी सेकंड कुश्ती है, और उसके लिए अभी उसकी फर्स्ट कुश्ती हुई 10 मिनट भी नहीं हुए और अभी उसकी सेकंड कुश्ती है। तो ये वैभव की सेकंड कुश्ती की वीडियो है और ये शूट करने के लिए मैंने एक भैया को फ़ोन दिया था, लेकिन उन्होंने अच्छे से शूट नहीं की। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वैभव हार गया था, लेकिन इसने काफ़ी अच्छी फाइट की। और ये लड़का वैभव से 2-3 साल बड़ा भी था और काफ़ी पावरफुल भी था, और बाद में इसी लड़के का गोल्ड आया था, तो उस चीज़ को देखते हुए इसने काफ़ी अच्छा फाइट किया। हालाँकि ये पॉइंट तो नहीं ले पाया, लेकिन कई जगह इसने काफ़ी अच्छा डिफेंस किया और लास्ट में स्कोर 6-0 का था। वैभव सेकेंड फाइट तो अभी हार गया, वो इतना बड़ा लड़का था, इतना ज़्यादा बड़ा लड़का था।
काफी उससे हाइट में भी लंबा था। कोई दिक्कत नहीं है वैभव, तेरा फर्स्ट टाइम था भैया, और उसमें भी तू फर्स्ट जीत। मैंने तो सोचा था कहाँ उसके सामने टिकेगा ये पूरी फाइट, लेकिन ये पूरी 4 मिनट लड़ा उसके साथ, 4 मिनट की फाइट थी, पूरे 4 मिनट लड़ा, बहुत अच्छा। और जहाँ पे इसने डिफेंस किया ना, इतना अच्छा डिफेंस किया, मैंने सोचा नहीं था करेगा। अभी हम वापस गांव में आ गए हैं अंकल के घर पे, और अभी दीदी हमारे लिए दाल बाटी चूरमा बना रही हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ऐसे बाटी कभी नहीं खाई, राख में एकदम बनी हुई, बनस्थली में खाई तो है पर ऐसे नहीं खाई। ये राख से निकाली है अभी, और इनको साफ करके उसमें रख रही हैं। ये अभी चूरमा बना रही हैं दीदी। मैंने कभी भी राख में बनी हुई नहीं खाई, तो खाई ना वैसे बनी हुई खाई है। हाँ ये घी में डुबोई जा रही हैं अभी। अभी हम डिनर कर रहे हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप यू एंजॉय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।